वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप अच्छे होंगे आप सभी एंड अच्छी कट रही होंगी आपकी गर्मी की छुट्टियाँ। चलिए हम करते हैं अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट। एंड जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था या जिसके बारे में पढ़ा था वो सेंटेंस था। सेंटेंस में हमने पढ़ लिए थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5 या 6। तो आप बोलेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहले आप ये बताइए कि हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन बताना है या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बताना है। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये हमने अकॉर्डिंग टू फंक्शन था ये कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है उसे डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बोला था कि हमें पहले बेसिक बहुत सारी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसे क्लियरली समझ सकते हैं। अगर हम उसे अभी स्टार्ट कर देंगे तो हमें वो क्लियरली समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे डाउट्स और साथ में क्रिएट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अभी फ़िलहाल हमें उसे रोक के चलना है, आगे कुछ टाइम बाद जब हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल का जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसे बेसिक ही बोला जाता है ग्रामर का, और उस टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, बहुत अच्छे से उसके बारे में जानते भी होंगे, वेल अवेयर होंगे आप। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। एक स्पीच में कितने पार्ट हो सकते हैं या कितने पार्ट होते हैं उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। पर आपके मन में ये आता है क्योंकि पार्ट का मीन्स तो हमने समझ रखा है, क्योंकि पार्ट वर्ड जो यूज किया गया था ये हमने सेंटेंस में भी यूज किया था। पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़े थे तब बताया गया था कि पार्ट मीन्स होता है भाग, तो पार्ट का मीन्स हमें समझ में आ जाता है यहाँ भाग। ऑफ का मीन्स का कि कैसे निकल जाएगा। एंड स्पीच, स्पीच का मीन्स क्या होता है, स्पीच मीन्स होता है कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं हम, कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात कही जाती है उसी टाइप को हम स्पीच भी बोल देते हैं। अब काम क्या है स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ पढ़ने के पीछे एक रीज़न होता है। ऐसा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ग्रामर का भी रीज़न समझ लिया, इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी रीज़न है, बेसिक क्यों क्लियर करना है हमें उसका भी रीज़न है, ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने का भी तो रीज़न है। हाँ बिल्कुल रीज़न है। क्या रीज़न है क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो वर्ड्स की नॉलेज हमें करनी है, वर्ड्स मीन्स क्या होता है, वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। शब्दों के बारे में अगर हम नॉलेज गेन करेंगे तो वो हमें कहाँ से होती है, वो नॉलेज हम पार्ट ऑफ स्पीच से गेन करते हैं। कोई भी जो शब्द है वो कब नाउन होगा, कब प्रोनाउन, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है और उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स बोले जाते हैं उन्हें। तो हमने इसे क्या डिफाइन किया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या डिस्क्राइब करता है हमें, तो पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताएगा ये एक रोल प्ले करता है। रोल समझ में आता है ना, रोल क्या बोला जाता है, रोल जैसे कि आपने देखा होगा एक मूवी में एक ही एक्टर होता है पर उसके रोल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी मूवी में वो कोई और रोल प्ले कर रहा है, नेक्स्ट मूवी में उसका कोई दूसरा रोल होगा, तीसरी मूवी में उसका कोई दूसरा रोल होगा, ये होते हैं रोल। तो ये डिस्क्राइब द रोल, रोल प्ले करते हैं दैट दैट द वर्ड प्लेस इन अ स्पीच बोल सकते हैं या हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या होता है अभी आप बताइए, इट डिस्क्राइब्स द रोल। रोल मीन्स, अब देखिए मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, ऐसे आपको हो सकता है क्लियरली समझ में ना आया हो। तो मैंने बोला देखिए अभी मैं हूँ ना आपके सामने, मेरा क्या रोल है, आप बोलोगे आप मेरी टीचर हो, तो टीचर होने का रोल है। अभी मैं अपने घर पे जाऊँ, मेरे भाई के सामने मेरा क्या रोल है, मैं उसकी बहन हूँ। फिर मैं मम्मी के सामने जाऊँ, मम्मी के सामने मेरा क्या रोल है,
मैं उनकी बेटी हूँ, मैं दादी के सामने जाऊँ, दादी के सामने मेरा क्या रोल है, मैं उनकी नातिन हूँ। इंसान तो एक ही है ना, पर उसके रोल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यही काम किसका है, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड्स का भी यही काम है। क्या काम है, कभी वो वाला वर्ड नाउन बन जाता है, कभी वही सेम वर्ड प्रोनाउन बन जाता है, वही एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है। तो एक इंसान के जैसे डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच में एक जो पार्ट है स्पीच का एक पार्ट, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। क्लियर हो गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या मीन्स है? कोई भी वर्ड का जो हमें मीन समझ में आ रहा है कि कोई भी वर्ड किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स हैं इसके बारे में तो आपको पता होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक रोल प्ले कर रहा होगा। अभी हम लिख लेते हैं, कितने पार्ट बताए मैंने? 8 बताए, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक स्पीच के कितने पार्ट्स हैं? एक स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट और भी होता है, इसे हम चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, डिटरमिनर नाम से जो पढ़ा जाता है। वैसे वो एडजेक्टिव का ही पार्ट माना जाता है, बट बहुत सी जगहों पे उसे अलग भी रखा गया है, डिटरमिनर। तो पहला जिसके बारे में आप जानते हैं क्या है, नाउन, एंड सेकेंड प्रोनाउन। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जब बेसिक की पहली क्लास थी शायद उसी दिन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसे एडजेक्टिव बोला जाता है, एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब नहीं वर्ब, प्रीपोजिशन, प्री पोजीशन, नेक्स्ट कंजंक्शन, एंड लास्ट, लास्ट कौन सा होता है? लास्ट होता है इंटरजेक्शन। इस टाइप से आपके पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपको पता चल गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता चल गया। अब हमें ये पढ़ने हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। तो कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। खुद से बोलने की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरे बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। सारा रोल टीचर प्ले नहीं कर सकता, बच्चों का भी एक रोल होता है। क्या रोल होता है? कि जब कोई क्लास पढ़ा ही जाए तो साथ साथ बच्चों को भी बोलना होता है। जैसे हम अगर लाइव क्लास पढ़ते हैं, अगर बच्चे मेरे सामने बैठे होते तो क्या ऐसा होता कि मैं अकेली बोल रही होती और बच्चे सुन रहे होते? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता? मेरे से ज़्यादा आवाज़ मेरे बच्चों की आ रही होती, है ना, वो और ज़्यादा तेज तेज बोल रहे होते और उन्हें तो ये दिमाग में क्लियर हो जाता और उन्हें ये याद भी हो जाता कि कितने होते हैं। तो अभी क्या करना है? अभी करना ये है कि जो मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बोलना है, तो ही आपको अभी की अभी क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इसका रिवाइज भी करते चलना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, केवल क्लास देख ली और रख दी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। करना क्या है? क्लास देखने के साथ साथ उसे आपको मेन पॉइंट्स या जो आपको नॉलेज नहीं है उन सभी को नोट डाउन करना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। बिना प्रैक्टिस के नथिंग पॉसिबल, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कितने भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी होशियार बना सकती है। रिवाइज करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका होता है? वो होता है रिवाइज का। अगर हम कोई चीज़ रिवाइज नहीं करेंगे तो 2-4 दिन बाद वो हमारे माइंड से निकल जाएगी। अगर उसे हम स्टेबल करके रखना है तो हमें उसका रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करना इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवाइज। तो ये देखिए, पढ़ लिए आपने, कितने पार्ट्स हैं? 8 हैं।
पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं। कौन से हैं अच्छे से पढ़ लीजिए दोबारा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, अभी हम किसके बारे में डिस्कस करें? आप नाउन के बारे में जानते हैं क्या? नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, एंड नेमिंग वर्ड मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति का नाम। उसे हम बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति नहीं बोल सकते, केवल किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी प्राणी का नाम। व्यक्ति की जगह प्राणी ज़्यादा ठीक रहेगा। किसी भी स्थान हो गया, कोई भी चीज़, कुछ भी दिख जाए A to Z, उन सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं? उन सभी के नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। कोई भी नाम हो, कोई भी नाम तो है ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे ही बोलेंगे हम नाउन। केवल नाम को ही नाउन बोलते हैं। जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का भी तो कुछ नाम होता है। जैसे मैं दुखी हूँ तो उस फीलिंग का क्या नाम है? उस फीलिंग को हम दुख नाम से व्यक्त कर रहे हैं ना। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दुख हो गया। बहुत अच्छा फील हो रहा है तो मैं खुश हूँ। तो ये सारी फीलिंग्स को भी क्या बोलते हैं? नाउन का ही पार्ट है। ऐसे ही हमें प्रोनाउन के बारे में भी जानकारी लेनी है। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, हमें सबके बारे में पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? पर ऐसे नहीं केवल सिंपली मैंने बता दिया इसकी डिफाइन ये होती है, ये हो गया, ये हो गया और कंप्लीट। नहीं, पढ़ना कैसे है? हमें उसके बारे में डिटेल से जानना है, जिससे हम ये पहचान सकें कौन सा वर्ड नाउन का काम कर रहा है, कब वो प्रोनाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे, प्रीपोजिशन कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखनी होंगी, और इसके लिए हमें इसकी एक ही टॉपिक की 2 से 3 या 3 से 4 क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। ऐसे एक क्लास में इसे हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ब के बारे में। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वर्ब। और मैंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया कि पहले हम वर्ब पढ़ेंगे या नाउन प्रोनाउन, ये इतनी आसान सी, आसानी बोल सकते हैं, इन सब को छोड़ के हम वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं पहले? क्योंकि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की बात करेंगे तो वर्ब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, वर्ब कहाँ से स्टार्ट है? वर्ब 0 से लास्ट तक, मतलब ए से लेके जेड तक वर्ब हमारे साथ चलने वाली है। वर्ब तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाने वाली है। तो इस सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? वर्ब को। वर्ब हर एक चीज़ में बीच में आएगी, तो हम वर्ब के बारे में पहले डिस्कस कर लें, देन उसके बाद हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड बाकी पार्ट्स भी कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज वर्ब। चलिए बताइए व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है बताइए बताइए। एक मन में तो आ ही रही होगी ना एक बात, वर्ब क्या होती है? क्या उतना तो सबके मन में आ जाता है, सबके वर्ब क्या होती है? तो आप बोलो वर्ब क्रिया होती है, आता है ना इतना तो। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्रिया होती है। क्या होती है वर्ब? वर्ब होती है आपकी क्रिया। वर्ब क्रिया होती है ना। क्रिया मीन्स क्या होता है? क्रिया मीन्स होता है कुछ भी करना। करने को क्या बोलते हैं? क्रिया मीन्स होता है करना। कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई भी एक्टिविटी कर, कुछ भी कर रहे हैं ना, भले ही सोच रहे हैं, कर तो रहे हैं ना, लेटे हैं, कर तो रहे हैं, कुछ तो है। यही क्या हो गया? ये हो गया आपका वर्ब। ये दिखाता क्या है? कोई भी काम का होना दिखा सकता है, कोई भी स्टेट का होना भी दिखा सकता है, पजेशन का होना दिखा सकता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। देखिए हमें पढ़ाया गया है, हमें पढ़ाया गया है वर्ब क्या होती है, पर हमें पढ़ाया जाता है एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। केवल एक्शन वर्ब वर्ब नहीं होती है, उसके अलावा भी है जो वर्ब है। क्या? इसको देखते हैं हम। द वर्ड डिफाइन के रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे डिफाइन रटने के लिए मैं नहीं बोलती। दैट सोज, बताइए क्या क्या बताया जाता है इसमें? एक्शन, क्या बताया जाएगा? एक्शन। और स्टेट, स्टेट क्या होता है? अब स्टेट मीन्स राज्य मत समझ लेना, स्टेट मीन्स होता है अवस्था। स्टेट ऑफ बींग मीन्स अब क्या हो गया? स्टेट ऑफ बींग मीन्स हो गया किसी भी चीज़ के होने की अवस्था।
और क्या बताती है? और बताती है पजेशन। और क्या बताती है? और बताती है पजेशन। अब फिर ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये पजेशन क्या होता है? आ रहा हो तो मैं बता दूं, पजेशन होता है किसी भी चीज पर अपना अधिकार। जैसे मैंने बोला ये वॉच मेरी है, अगर मैंने बोला ये वॉच मेरी है तो इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स ये है, इस वॉच पे मेरा अधिकार है, इट्स माई पजेशन ना, पजेशन ही तो दिखा रही है ये, तो ये होता है पजेशन। ठीक है, वर्ब क्या क्या बताएगी? वर्ब बताएगी एक्शन। एक्शन क्या होता है? एक्शन मीन्स होता है जो आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला वह खा रहा है, खाने का काम मुंह चबाना, हाथ से तोड़ना, मुंह तक ले जाना होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? ऑब्वियसली दे रहा है। ये क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। वे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम, लिखना, बोलना और उसे आंखों से देखना, ये सब होता दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्शन। वे दौड़ रहे हैं तो आपको दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, वे कूद रहे हैं वे आपको कूदते दिखाई दे रहे हैं, है ना, वो नहा रहे हैं तो नहाते दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप के कोई भी अगर वर्ड है तो हम बोलेंगे एक्शन वर्ड। काम होता अगर दिखाई दे रहा है तो एक्शन वर्ड है। अगला मैंने बोला स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग काम नहीं हो रहा है इसमें, पर कोई चीज़ हो रही है। जैसे मैंने बोला वह बीमार है, बीमार होने में कोई काम होता है? आई थिंक नहीं होता है। बीमार होने में कौन सा काम है? अब मुझे उसकी अवस्था दिखाई दे रही है कि वो अभी कौन सी कंडीशन में है ना, इसे ही बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। मैंने बोला वह सुंदर है, सुंदर होते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ अब सुंदर हो गया? नहीं। तो ये क्या है? ये भी है एक्शन, एक्शन नहीं है, ये है स्टेट ऑफ बीइंग। मैंने बोला वह टीचर है, आपको वो टीचर होता हुआ दिखाई दे रहा है? टीचर बन गया? नहीं ना। ये क्या है? ये है स्टेट, ये होती है स्टेट। समझ में आया स्टेट क्या होती है? कोई भी काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर हो रहा है। मैंने बोला वो दुखी है, अब तुम्हें वो दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, वो हम फील करते हैं कि वो दुखी दिखाई दे रहा है, वो मुंह बनाए हुए मतलब वो दुखी है, वो स्माइल कर रहा है, अच्छे सबसे बात कर रहा है तो वो खुश है। ये हो गई स्टेट। नेक्स्ट अगला जो दिया है वो दिया है पजेशन, और इसे समझना बहुत आसान है। क्या आसान है इसमें? इसमें कोई भी चीज़ अपने पास होने का जिक्र किया जाता है। कैसे? मैंने बोला मेरे पास एक गाड़ी है, तो जो गाड़ी है मेरे पास वो पजेशन है। मैंने बोला मेरे पास एक किताब है, वो भी पजेशन है। तुम्हारे पास दो बाइक्स हैं, तो दो बाइक्स जो हैं वो भी पजेशन है ना। मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगलो है, तो जो है वो भी पजेशन है। तो ये हो गया आपका पजेशन। अभी आपको क्लियर हुई इसकी डिफाइन? मैंने बोला था ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड पजेशन, इट्स कॉल्ड वर्ब। अभी देखो इसके एग्जाम्पल्स लिख देते हैं कुछ, और अच्छे से आपको हो जाएगा क्लियर। कौन से एग्जाम्पल लिख दें? मैंने लिख दिया द बॉय, लिख दूँ ऐसा बच्चा दौड़ रहा है या बच्चे ये दौड़ा, क्या लिख दूँ? बच्चा दौड़ रहा है लिख दूँ? ठीक है चलो, द बॉय इज रनिंग, बच्चा दौड़ रहा है। तुम खुश हो तो क्या लिखें? यू आर हैप्पी। अब बताओ इसमें कोई एक्शन हो रहा है? एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मैंने अगला लिखा आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फ़ोन है। देखो तीन सेंटेंस मैंने लिखे, अभी आप मुझे पहचान के बताएंगे, इसमें अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन से में एक्शन हो रहा है, वर्ब कहाँ है और एक्शन कहाँ हो रहा है। दूसरे में आप बताएंगे कि एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरे में भी बताना है, मींस एक्शन हो रहा है, पजेशन हो रहा है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या बता रहे हैं सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस पढ़िए और बताइए, द बॉय इज़ रनिंग, रन मींस होता है दौड़ना, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है तो आपको दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा या नहीं? इनविजिबल तो हो नहीं गया होगा ऑब्वियसली, अगर दौड़ रहा है तो आपको दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चा अगर दौड़ रहा है तो ये एक्शन है या नहीं? तो आप बोलोगे इसमें एक्शन हो रहा है। अगला जो है यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। अगर तुम खुश हो तो कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ा काम करना पड़ रहा है क्या खुश होने के लिए? नहीं। खुश क्या है? खुश हमारे अंदर की एक फीलिंग है। अगर सब कुछ अच्छा है तो हम खुश हैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो हम दुखी हैं। तो क्या है? हैप्पी मीन्स
खुश, क्या कोई एक्शन हो रहा है इसमें? वहां से गए, खुशी उठा के लाए, फिर मुंह पे लगाई, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या ये बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स कोई भी काम हो रहा है पर हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खुश तो हम हो रहे हैं पर होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे ना, हम फील कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान खुश है। आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है, कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? फोन होने में कौन सा काम होना है? नहीं ना। तो ये क्या है, ये भी क्या बता रहा है, ये बता रहा है पजेशन। आपके पास फोन है तो ये आपका पजेशन है, किसी भी चीज़ पे आपका अधिकार बता रहा है। इस टाइप से वर्ब को इस टाइप से डिफाइन किया जाता है। अभी आप देख लें वर्ब को कैसे डिफाइन करना है, उसके एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं, देख लीजिए अच्छे से। आई हैव अ फोन, हैव यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, आर कर रहा है, इज कर रहा है और रनिंग दोनों ही कर रहे हैं यहाँ। अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं। अब पहले आप ये बताएंगे टाइप्स मीन्स क्या होता है। टाइप्स मीन्स भाग तो नहीं होता ना, टाइप्स मीन्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ वर्ब, किसी भी वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ब का टाइप्स, टाइप्स मीन्स कोई भी वर्ब कितने प्रकार से यूज की जा सकती है। वर्ब के टाइप्स कितने होंगे? वर्ब्स के टाइप्स भी होते हैं, बताइए फटाफट। मुझे लगता है आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर नॉलेज है तो आपको फिर बताना है कमेंट में कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं? वर्ब के टाइप्स होते हैं दो, कौन से? एक होती है आपकी फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। कितनी वर्ब हो गई? दो वर्ब हुई ना, कौन सी? एक फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। क्या आपको पहले से पता था वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट? आप सोच रहे होंगे मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये वाली वर्ब, वो वाली वर्ब, ये उसके आगे के पार्ट हैं। पहले हमें ये पता करना है वर्ब दो टाइप की होती हैं, कौन सी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। दोनों वर्ब में क्या डिफरेंस है? तो दोनों वर्ब में डिफरेंस होता है कि जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? ऐसे कि अगर मैंने लिखा, पहले मैं एग्जांपल बताऊं या पहले इसको डिफाइन करूं? पहले मैं एग्जांपल लिखाती हूं। मैंने बोला द बॉय इज रनिंग, ऐसा ही तो एग्जांपल दिया था मैंने। क्या बोला था? बच्चा दौड़ रहा है। अब मैंने बोला अगला एग्जांपल, द बॉयज आर रनिंग। अब आप मुझे बताएंगे इन दोनों सेंटेंसेस में कोई चेंजमेंट्स होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या दोनों सेम है? जल्दी बोलिए, इनमें चेंजमेंट हो रहा है या दोनों सेम है? बोलेंगे चेंजमेंट हो रहा है। यहाँ बॉय है, केवल बॉय मीन्स सिंगुलर है, सिंगुलर या नहीं? सिंगुलर है तो यहाँ इज आ रहा है, इज मीन्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ द बॉयज है, बॉयज मीन्स प्लूलर, और अगर यहाँ ये सब्जेक्ट प्लूलर हो रहा है तो इसकी जो वर्ब है वो भी क्या ले रही है? प्लूलर हेल्पिंग वर्ब। आप बताइए इसमें चेंजमेंट हो रहा है या नहीं? हो रहा है। कैसे हो रहा है? अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंजमेंट हो रहा है या नहीं? अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजमेंट हो रहा है या नहीं, बताइए? अगर हो रहा है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होगी? इट चेंज्स, कब चेंज हो जाएगी? इट चेंज्स अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू, एक तो पर्सन के अकॉर्डिंग और दूसरा टेंस के अकॉर्डिंग। फाइनाइट वर्ब चेंज हो सकती है पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ सिंगुलर था पर्सन, पर्सन क्या था?
सिंगुलर था तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आई, पर्सन प्लूलर था प्लूलर वर्ब आई, ये मैंने प्रेजेंट में बनाया तब ऐसा था। टेंस चेंज करूँ मैं इसको पास्ट में कर दूँ, टेंस के बारे में आपको थोड़ी सी तो नॉलेज होगी कि टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट वर्तमान की बात करेगा, अभी की बात करेगा, पास्ट पास्ट की बात करेगा, मतलब जो बीत गया उसकी बात करेगा, था में जाएगा, और फ्यूचर आने वाले कल की बात करेगा, जैसे कल ऐसा होगा, हुआ नहीं होगा, ऐसी हमारी कल्पना है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैंने बोला था द बॉय इज़ रनिंग, अब मैं बोल दूँ द बॉय वॉज रनिंग, लड़का दौड़ रहा था, अब दौड़ चुका, पास्ट की बात थी, तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो रही है या नहीं, बिल्कुल हो रही है, अकॉर्डिंग टू टेंस भी चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू पर्सन भी चेंज हो रही है, तो उस वर्ब को बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। देन व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं, जो है वही रहता है। क्या लिखते हैं, इट डजंट, डजंट मीन्स डज नॉट चेंज, ना तो ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं और ना ही ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, ये वो हैं जिन पे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अकॉर्डिंग टू पर्सन और टेंस। अब बोलो आप कि मैम पहले एग्जाम्पल दो तो मैं ये बात मानूं। तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने बोला आई वॉन्ट टू बाई दिस ड्रेस, मैं ये ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, अभी आप बताओ आई क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वॉन्ट आ रही है या नहीं, आ रही है, सब्जेक्ट हुआ आपका प्लूलर, आई प्लूलर की तरह ही यहाँ वर्क कर रहा है, एंड वॉन्ट क्या है, वॉन्ट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूलर के लिए यूज़ की जा रही है, लेकिन आगे जो दिया है वाई, क्या वाई फॉर्म नहीं है, वाई भी इसमें तो खरीदना होता है, ये भी तो एक वर्ब है, इसमें कोई चेंजमेंट आया, मैं अगर यहाँ लिख दूँ ही तो यहाँ वॉन्ट रहेगा या वॉन्ट्स हो जाएगा बताइए, अगर मैं यहाँ ही लिख दूँ तो यहाँ ही वॉन्ट रहेगा या वॉन्ट्स हो जाएगा, ही सिंगुलर तो यहाँ हो जाएगा वॉन्ट्स, लेकिन टू वाई में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ही वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस, वह यह ड्रेस खरीदना चाहती है, मैंने यहाँ लिख दिया ही, और ये मैं बना दूँ पास्ट में तो हो जाएगा वांटेड, ही वांटेड टू बाय दिस ड्रेस, वह ड्रेस खरीदना चाहती थी, अभी भी कोई चेंजमेंट है नहीं, क्या बात समझ में आ रही है, अगर वर्ब फाइनाइट है अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी, हो रही है ना, चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग और पर्सन दोनों के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, लेकिन अगर वर्ब कैसी है, अगर वर्ब नॉन फाइनाइट है तो वो ना तो अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंज होगी और ना अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होगी, कैसी वर्ब है ये, है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, क्या आपको पहले पढ़ाया गया है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, ठीक है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वो अकॉर्डिंग टू पर्सन या अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज नहीं होती हैं, वो अपने आप में कोई भी चेंजमेंट नहीं रखती, वो जो हैं वही रहेंगी, और जो फाइनाइट वर्ब हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होती रहती हैं। क्लियर और नॉट, एक और बता जरूर दें कि आपको क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं होने लगा कि आपको ऊपर से ही जाने लगा हो, ये तो थोड़ी ज़्यादा डीप हो गया, पढ़ाना मेरा काम है तो उसका रेस्पॉन्स देना आपका भी काम है ना, रेस्पॉन्स दिया करें कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, अब ऐसा तो है नहीं आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के बता सकूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक ही तरीका हो सकता है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि यहाँ डाउट आ रहा है, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर नहीं है, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। अभी इसके आगे आ जाते हैं, हमने वर्ब कितने टाइप की पढ़ी, दो टाइप की, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अभी हम जो जिक्र करेंगे ये फाइनाइट वर्ब का जिक्र करेंगे और ये वाली अभी रोक के रखेंगे, तो हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, वो तो हम देख ही चुके, आप बताएंगे अब फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, कैसे आप पहचानेंगे ये वर्ब फाइनाइट है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप ये बता पाएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए फाइनाइट वर्ब होती हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन
पर्सन चेंज होती रहती हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जो अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज नहीं होती हैं उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब आपके दिमाग में जो आ रहा था ना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वो फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं। फाइनाइट वर्ब के भी कितने पार्ट हैं? दो वैसे हम पढ़ सकते हैं। कौन से हैं? एक तो हेल्पिंग वर्ब, कौन सा? एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। मैंने जब सेंटेंस में पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ जिक्र किया था इस बात का कि जो टेंस या सेंटेंस हम फॉर्मेट कर रहे हैं उसमें दो टाइप की वर्ब यूज़ की जाती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी? हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अभी इनके नाम सुन सुन के ऐसा मत सोचने लगना कि बहुत कठिन है, मुझे आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बिल्कुल होंगी। एंड दूसरा है मॉडल्स। अब मॉडल्स का नाम सुन के और मत घबरा जाना। मॉडल्स वही होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, उनको हम मॉडल्स बोलते हैं। एंड मेन वर्ब जो हैं, यहाँ आता है दो नाम, कौन से? एक तो लिंकिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक्शन वर्ब। कौन सा? एक तो होता है लिंकिंग वर्ब और एक होता है एक्शन वर्ब। कितना हो गया? वर्ब हमने पढ़ी, वर्ब होता है क्या? देखिए पहले हम एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ स्पीच से। तब हमने ये जाना था कि पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, वो कैसे रोल प्ले करेगी। तब हमें पता चला कि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड के अलग अलग रोल प्ले कराए जाते हैं। जैसे कोई भी वर्ड नाउन बन सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी। तो वर्ड किस जगह किस तरीके से यूज हो रहा है ये हम पार्ट ऑफ स्पीच में सीखते हैं। क्लियर? देन हमने पढ़ा 8 टाइप्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, है ना? 8 ही तो होते हैं पार्ट। कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अभी 8 पार्ट के बाद हमने स्टार्ट किया टॉपिक वर्ब। और वर्ब में हमने देखा कि जो वर्ब है उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्रिया। क्रिया मीन्स होता है कोई भी काम करना या कोई भी काम का होना। क्या बोलते हैं? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया मीन्स कोई भी काम का करना या कोई भी काम का होना, केवल करना नहीं होना भी बोलते हैं। और इसमें क्या आएगा? इसमें आते हैं एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पजेशन। अभी आपको स्टेट ऑफ बीइंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वरना ये वाले जो वर्ड है ना इसकी कन्फ्यूजन ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। मुझे तो बहुत तगड़ी वाली कन्फ्यूज़न थी, स्टेट ऑफ बीइंग कैसे पहचाने, कब मैं बताऊं कि एक्शन हो भी रहा है या एक्शन नहीं हो रहा है, मैं कैसे पहचानूं? टीचर तो बोल देते हैं एक्शन हो रहा है, मैं कैसे बताऊं एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो क्या है, अभी आपको पता चल रहा है या आपको भी डाउट है? अगर डाउट है तो बता देना, क्लियर तो मैं कर दूंगी। एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पजेशन। अभी यहाँ हमने सेंटेंस देखे और हमने ये डिस्कस किया कि कैसे पहचान है। कोई भी काम अगर हमें होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो दौड़ रहा है तो मैं दौड़ता दिखाई दे रहा है, खा रहा है तो खाता दिखाई दे रहा है, नाच रहा है तो नाचता दिखाई दे रहा है, गा रहा है तो गाता दिखाई दे रहा है, तो ये काम है हमारे जो करते दिखाई दे रहे हैं तो बोल रहे हैं एक्शन वर्ड। हो रहे हैं पर होते दिखाई नहीं दे रहे हैं तो बोलते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग। और जो चीज़ मेरी है उस पर मैं अपना अधिकार बता रही हूँ तो उसे बोलते हैं पजेशन। ईजी। अगला फिर हमने पढ़ा वर्ब के भी दो टाइप हैं, कौन से? एक बताया मैंने फाइनाइट वर्ब एंड दूसरा जो था वो बताया इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट मीन्स जो अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होता हो जाते हैं। टाइम मीन्स टेंस ही होता है। और नॉन फाइनाइट मीन्स जो ना तो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और ना ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और इसके भी हमने एग्जाम्पल्स क्लियर कर लिए। उसके आगे मैंने बताया कि जो हम फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे और अभी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब के भी मेन दो पार्ट हैं,
एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अभी हमें आगे की जो क्लास है वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मुझे पता है आज की क्लास में बहुत कुछ नया है, तो आगे की क्लास हम कल डिस्कस करने वाले हैं। इस वाली क्लास में आपको डाउट्स आ सकते हैं, और अगर डाउट्स आए तो आप एक बार बताएं ज़रूर, ठीक है। आगे की क्लास कल डिस्कस की जाएगी, और जहाँ तक पढ़ा दिया गया है उसको टाइम टू टाइम नोट डाउन एंड रिवाइज दोनों करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि ये जो बेसिक है ये वापस आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जाने वाला है ना, तो इसको अच्छे से यूज़ करें।